नमो बुद्धाय। आज एक सुंदर बात आप लोगों को बता देंगे, समझने के लिए कोशिश करें। हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान, उनकी अवबोध को विश्वास करना चाहिए। हम लोग भगवान बुद्ध की ज्ञान पे, भगवान बुद्ध की संबुद्धत्व पे विश्वास करता है ना, वो पॉइंट है संसार दुख से मुक्त होने का पॉइंट, वही है। पॉइंट क्या है? तथागत भगवान बुद्ध की संबुद्धत्व के बारे में, अवबोध के बारे में, ज्ञान के बारे में विश्वास करना। यह वहाँ से शुरुआत होता है विमुक्ति की रास्ता। उसी प्रकार हम लोग विश्वास करता है ना, वही विश्वास करने वाले व्यक्ति श्रद्धानुसारी बन जाते हैं। ये हम लोग को बहुत मुश्किल चीज है। क्या बन जाते हैं? श्रद्धानुसारी बन जाते हैं। श्रद्धानुसारी कैसे बन जाते हैं? भगवान बुद्ध की अवबोध को, उन तथागत की ज्ञान को विश्वास करेंगे तो। मुश्किल है, जल्दी लोगों को तथागत की ज्ञान पे विश्वास नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान बहुत लोगों को समझ नहीं सकता है। उसके लिए बुद्धि चाहिए, पुण्य चाहिए। किसी भी तरह हम लोग मेहनत करेंगे तो हम लोग को भी श्रद्धानुसारी व्यक्ति बन सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसी जीवन में कैसे भी तो मेहनत करके बहुत प्रयास करना चाहिए। तथागत भगवान बुद्ध जो बताया गया ज्ञान, उस ज्ञान पे विश्वास करके प्रसन्न होने के लिए। तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान पे जो प्रसन्न हो जाता है, वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। सबसे मुश्किल चीज सबसे पहले करना चाहिए, बाकी सब धीरे धीरे हो जाएगा। सबसे मुश्किल चीज कब करना चाहिए? सबसे पहला करना चाहिए। जो कोई तथागत भगवान बुद्ध की अवबोध के बारे में प्रसन्न हो गया तो, श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो, उनका दिल में उन तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान को, ज्ञान के अनुसार जीवन बिताने के लिए इच्छा उत्पन्न होता है। तो सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? श्रद्धा। सबसे मुश्किल चीज़ श्रद्धा है। बहुत मुश्किल से किसी का दिल में श्रद्धा उत्पन्न होता है। बुढ़िस बनने से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है, मंदिर में आने से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है, भगवान बुद्ध की ज्ञान सुनने पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है, योनि से मनसिकार करने पर तुरंत श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है। श्रद्धा उत्पन्न हो, सबको नहीं हो पाता है श्रद्धा। आप ज़रा देख लीजिए कैसे हो जाएगा। जो जिसका दिल में तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न हो गया तो वो प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है उसी ज्ञान के अनुसार रहने के लिए। जो कुछ तथागत भगवान बताए हैं, वो ज्ञान के बारे में श्रद्धावान व्यक्ति का दिल में समझदारी उत्पन्न हो जाता है, तब उसको अपना दिल में वीर्य उत्पन्न हो जाता है, तब वो वीर्य करके प्रयास करता है धर्म की रास्ता पे जाने के लिए। वही व्यक्ति तथागत के धर्म को प्राप्त करते हैं, समझ लेते हैं, अवबोध करते हैं। ऐसा है तो हम लोग बहुत प्रयास करके क्या करना चाहिए? तथागत भगवान बुद्ध के अवबोध को विश्वास करना सबसे पहला कर्तव्य है। चाहे कुछ भी हो,
तथागत भगवान बुद्ध के अवबोध के बारे में विश्वास होना चाहिए। कैसे? जानाति भगवा, तथागत भगवान बुद्ध जी जानते हैं। अहं न जानामि, हम मैं नहीं जानता हूँ। सत्था भगवा, तथागत भगवान बुद्ध सास्था है। सास्था मतलब गुरु। सावको हमस्मि, हम लोग उनके श्रावक हैं या तो फिर शिष्य हैं। उसी प्रकार तथागत के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना बहुत मुश्किल चीज है। अगर हम लोगों के पास प्रज्ञा है तो हम लोग को भी अपना हिम्मत के अनुसार तथागत भगवान बुद्ध की बातों पे रह सकता है। बहुत सारे लोगों को तथागत भगवान बुद्ध की रास्ता समझ नहीं सकता है। बहुत लोगों के दिल में डर उत्पन्न हो जाता है। तथागत भगवान बुद्ध के अवबोध के बारे में डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। वो बाहर से चूचा करके रहता है लेकिन अंदर से वो प्रैक्टिस करता नहीं है। हमेशा डाउट करते रहता है, सील के बारे में डाउट करता है, समाधि के बारे में डाउट करता है, शक करता है, प्रज्ञा के बारे में शक करता है, कल्याण मित्र के बारे में शक करता है, अपने गुरु लोगों के बारे में शक करता है, हमेशा शक करते रहता है। वो व्यक्ति डरते रहता है, भय होते हुए रहता है हर पल। वो तेज नहीं है, वो चतुर नहीं है। उन्हें कभी तथागत भगवान बुद्ध की अवबोध के बारे में विश्वास नहीं पा सकते हैं। उस भय संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान के प्रति जब विश्वास आ गया तो। उनको कोई भय नहीं है, वो आराम से, आसानी से, चैन से, सुखी से धर्म को प्रयास करते रहता है। इसीलिए आप लोग किसी भी तरह मत डरिए, धर्म को विश्वास करिए, धर्म को पूरा दिल से मान लीजिए। धर्म पे भक्ति होना चाहिए। सिर्फ उन्हें ये खतरनाक संसार सागर को पार कर सकते हैं। इसीलिए मत डरिए, बिना डर के तथागत भगवान बुद्ध जो बताए हुए ज्ञान के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न करवाइए। उसी प्रसन्नता अपना मन में उत्पन्न होना चाहिए। अपना मन में प्रसन्नता है तो वो बाहर की प्रसन्नता या तो फिर अंदर की प्रसन्नता है। अंदर की प्रसन्नता है, उसको बहुत चीज़ है करने का। अपना दिल से भगवान बुद्ध के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न हो गया तो उनको बहुत चीज़ है करने का। दिन प्रतिदिन उनका आचरण शांत हो जाता है। किनका? जो भगवान बुद्ध के प्रति दिल से श्रद्धावान हो गया। श्रद्धानुसारी से पहले, या श्रद्धानुसारी तक कभी नहीं है, श्रद्धानुसारी से पहले श्रद्धा उत्पन्न होता है ना, वही व्यक्ति तथागत भगवान बुद्ध के हर एक शब्द पे विश्वास करता है। वो लोग दिन प्रतिदिन अपना सारे काम शांत कर लेता है। जो फालतू काम है वो सारे फालतू काम को त्याग कर देता है। उसी प्रकार में जो जरूरी है वो लेता है, जो जरूरी नहीं वो छोड़ देता है दिन प्रतिदिन। इसका मतलब आप लोग जो कुछ काम करते रहते हैं सुधर जाते हैं। जैसे में जो जरूरी नहीं वो क्या है, शरीर से करने वाले काय दुश्चरित मतलब शरीर से होने वाले पाप जरूरी नहीं है, त्यागना चाहिए। इसको तो वाणी से होने वाले पाप को त्याग करना चाहिए तथा मन की होने वाले पाप को
त्याग करना चाहिए, फालतू चीज को त्याग करना चाहिए, क्योंकि उनको ये छोटा मोटा चीज क्यों त्याग करता है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज को पाने का टारगेट है उनके पास, लक्ष्य है, इसीलिए छोटा मोटा चीज दिन प्रतिदिन वो हटाते जाता है। भगवान बुद्ध की ज्ञान भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध की ज्ञान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो, प्रसन्न हो गया तो उनका ये गुण निरंतर दिखाई देता है। एक है बहुत सहनशीलता है, अगर सहनशीलता नहीं है तो वो भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा अभी तक नहीं है। ये श्रद्धानुसारी से पहले बात है, श्रद्धानुसारी होने का पहले का काम है। वो शांत हो जाता है, गड़बड़ नहीं हड़बड़ा के नहीं रहता है, शांत हो जाता है। पहला क्या था, सहनशीलता में रहता है, बहुत प्रयास करता, बहुत बर्दाश्त करता है, सहन करना चाहिए, पता है ना क्या क्या सहन करना चाहिए, हम बताएं, वो सहनशीलता उनके पास है। इसके बाद शांत हो जाता है। तीसरा है, भगवान बुद्ध के प्रति अगर श्रद्धा उत्पन्न होना शुरू हो गया तो वो आज्ञाकारी हो जाता है। ऐसा तो आज्ञाकारी नहीं होने का मतलब क्या है, अभी तक श्रद्धा शुरू नहीं हुआ, तथा वो नम्र हो जाता है, घमंड नहीं, अहंकार घमंडी नहीं, नम्रता होता है, एकदम कोमल दिल। कोमल दिल मतलब गलती के सामने शेर जैसा, अच्छाई के सामने हिरण जैसा। क्यों ऐसा गुण अपनाने का मतलब क्या है, उनको बहुत बड़ा चीज करने का लक्ष्य है, इसलिए वो बहुत सहनशीलता से प्रयास करते जाता है। ऐसे प्रयास करते जाते समय जो जरूरी नहीं है वो अपना जीवन से दिन प्रतिदिन हट जाता है। इसका मतलब दिन प्रतिदिन वो आगे बढ़ते जाता है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की परम गंभीर धर्म के प्रति प्रसन्न हो गया तो बहुत भाग्यशाली जीवन, मानव जीवन हम पा सकते हैं। ऐसा है तो हम लोग ये मानव जीवन बहुत सौभाग्यशाली हो जाएगा हमारा। इसलिए याद रखिए, ये तथागत भगवान बुद्ध की तथा उनकी ज्ञान के प्रति प्रसन्नता उत्पन्न करना बाद में करने का चीज़ नहीं है, वो कब करने का चीज़ है, स्टार्टिंग में, शुरू में करने का चीज़ है, शुरुआत में। शुरुआत में वो नहीं आ गया तो प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है, बाद में श्रद्धा उत्पन्न करने का ट्राई में रह गया तो, लाइन में रह गया तो वो क्या बोलता है, मुझे ये आता है, मैं सब कुछ पढ़ लिया हूँ, मैं सब कुछ ख़त्म कर दिया, मुझे सब याद है, पटिसंपाद याद है, पंचपादन स्कंद याद, सब हमको आता है अभी। उसी प्रकार अपना जानकारी यादों पर घमंड हो जाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। इसलिए हम लोगों का जीवन गलत रास्ता पे जाने के पहले हम लोग क्या करना चाहिए, तथागत भगवान बुद्ध तथा उनके ज्ञान के प्रति हम लोग श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो वो गलत रास्ता पे जा ही नहीं सकता है, असंभव है। आप लोग दिखाई देता होगा इंडियन मम्मी पापा लोग को और श्रीलंका मम्मी पापा लोग का बहुत फ़र्क है ना। इंडियन मम्मी पापा लोग हमेशा कठोर दिल से रहते हैं, श्रीलंकन लोग का लेकिन मुलायम दिल है, बहुत सभी लोग नहीं जो धर्म पे रहते हैं। इधर जो हम लोग के मंदिर में आते कितना अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगता है उन लोग का बातचीत आचरण,
ऐसे होने का कारण क्या है? उन लोग को जानकारी होने के पहले एक चीज आ गया, श्रद्धा। तो यहाँ के लोग को प्रॉब्लम क्या, जानकारी भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा नहीं हो गया तो कैसे जीवन सही मार्ग पे जाएगा? श्रद्धा नहीं हो गया तो सहनशीलता नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो शांत नहीं होता है, श्रद्धा नहीं है तो आज्ञाकारी नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होता हो नहीं है तो घमंड अहंकारी हो जाता है, नम्रता नहीं होता है। तो श्रद्धा उत्पन्न हो गया तो हर पल कुमार्ग पे नहीं बल्कि सुमार्ग पे जाते रहता है। वो पहले हम लोग पाना चाहिए श्रद्धा। अगर रास्ता भटकने के बाद, गलत रास्ता पे जाने के बाद सही रास्ता पे लगाने के लिए मेहनत करने से ज़्यादा अच्छा है गलत रास्ता पे जाने के पहले से ही सही रास्ता पकड़ना, सर्वश्रेष्ठ होता है ना। क्योंकि गलत रास्ते पे गया तो गलत प्रैक्टिस मरने दम तक छूटेगा नहीं। अगर धार्मिक रास्ता बहुत आगे जाएगा तो तुरंत छूट जाएगा, नहीं तो बार बार वही आते रहेगा क्योंकि उपादान हो गया है वो भी। इसलिए सही मार्ग पे आता है तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान तथा तथागत भगवान बुद्ध के बारे में हमारा दिल में पूरा भरोसा रख दिया तो, पूरा दिल भर के विश्वास करेंगे तो। इसलिए एकदम सीधा बताया गया धर्म पे आप लोग मत डरिए। सीधा बताया गया धर्म मतलब तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान टेढ़ा टेढ़ा पे नहीं है, एकदम सीधा है, हर एक शब्द सीधा है, किसी को इनकार नहीं कर सकता है, परम सत्य है, किसी को नहीं, सबूत के सहित नेवर किसी को तथागत की ज्ञान इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा धर्म पे हम लोग डरना नहीं चाहिए। निर्भय होते हुए तथागत भगवान बुद्ध बताते हैं बिना डर के, ऐसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा, इसी प्रकार प्रैक्टिस करेगा तो इसी प्रकार फल पा सकता है। तो वही ज्ञान हम विश्वास करना चाहिए, अपना दिल से वो ज्ञान को मानना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से हमारा दिल में डर भय उत्पन्न होगा, कोई डर भय उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। इसलिए निर्भय मतलब क्या है, निर्भय का मतलब है शांत हो जाता है, वो शांत हो के अपना जीवन का हर एक गलती को एक एक करके डिलीट करते करते आगे बढ़ता है। ये सारी चीज़ को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए, तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए, ये सर्वश्रेष्ठ लाभ है। इसलिए आप लोग बिना देर होते हुए आज्ञाकारी हो करके, नम्रता हो करके, अहंकार घमंड नहीं हो के आप लोग कोशिश करिए तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, तथा उन तथागत भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। उसके लिए आप सबको भाग्य मिल जाए।